If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. Hello, namaste, how are you all today? आज का जो डिज़ाइन है, मैं कुछ स्पेशल डिज़ाइन या हटके डिज़ाइन तो नहीं बोलूँगी, रेगुलर डिज़ाइन ही है, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ नया भी किया है, कुछ पुराना भी डाला है, और बहुत कुछ मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रैक्टिस से बाहर हो रहा था और मैं रिपीटेटिव हो रही थी अपनी डिज़ाइन में, तो उसको बदलाव लाने के लिए ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट की है। आप देखोगे तो पिछले कई वीडियो से ऐसा हो रहा था कि बॉर्डर एलिमेंट से बिगिनिंग हो जाती थी और वही एक स्ट्रेट दोनों लाइन खींच के फिर बॉर्डर एलिमेंट, हालांकि बॉर्डर एलिमेंट में बहुत सारे वेरिएशंस मैं कर रही थी, लेकिन मैं पक चुकी थी मैं लिटरली वो स्ट्रेट बॉर्डर से पक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं वो स्ट्रेट बॉर्डर वाला एलिमेंट नहीं करूँगी इस डिज़ाइन में, और इसीलिए मैंने बिगिनिंग ही कुछ अलग सा डाल दिया। कर्व है एलिमेंट, लेकिन मैंने कर्व लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, स्वर्ल एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, और उसके ऊपर मैंने पिकॉक रेस्ट किया है, तो रेस्टिंग पिकॉक उसके ऊपर मैंने ड्राइंग किया है, और फिर मैंने रिवर्स एलिमेंट का उसके साथ इस्तेमाल किया है। अब रिवर्स एलिमेंट के बाजू में जो डेकोरेटिव एलिमेंट रैंडमली मैंने किया है, वो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू है, मुझे वो जगह कुछ खाली लगा कि यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, तो इसीलिए जो दिमाग में आया मैंने वहाँ पे कर दिया है। अब कैसा लग रहा है कैसा नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं, वो आपको मुझे कमेंट के जरिए बताना पड़ेगा। हाँ जी, तो फिर रिवर्स एलिमेंट में भी मैंने कुछ नया अरेंजमेंट किया है, जैसे कर्व एलिमेंट में भी मैंने कुछ डिफरेंट किया है। बहुत दिनों से मैंने फ्लावर क्लस्टर का इस्तेमाल नहीं किया था, जो अभी बहुत फैशन में है, फ्यूज़न वाला फ्लावर क्लस्टर, फिर उसके ऊपर थोड़े गल्फ एलिमेंट्स, पेसली टाइप ऑफ डिज़ाइन, वो मैंने बहुत दिनों से नहीं किया था, तो आज इस डिज़ाइन में मैंने वो भी डाला है। और फिर मुझे लगा कि बॉर्डर एलिमेंट की प्रैक्टिस बहुत दिनों से नहीं हुई है, लेयर्ड जो बॉर्डर एलिमेंट में हमेशा बताती रहती हूँ, तो आज मैंने स्पेशली जो साइड का एरिया है पूरा भरने के लिए वो बॉर्डर एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। तो हालांकि मैं कहूँगी ये जो डिज़ाइन है मेरे लिए एक प्रैक्टिस डिज़ाइन है, जहाँ पर मैं अपने अलग अलग एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप भी चाहो तो इस तरह की डिज़ाइन कुछ क्रिएट करके अपने जो फिलर एलिमेंट है, एम्बेलिशमेंट एलिमेंट है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि फिलर एलिमेंट को लेयर्ड करना भी एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है। अगर आप उसे बहुत खूबसूरती के साथ लेयर्ड करते हो तो वही डिज़ाइन, पूरी डिज़ाइन का ओवरऑल जो लुक है वो चेंज कर देता है, तो इसीलिए लेयर एलिमेंट के साथ हमेशा हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो आज मैंने वही कुछ किया है, तो इन शॉर्ट आज की डिज़ाइन कुछ हटके, कुछ पुराना, तो सोच नहीं रिश्ता, वही काइंड ऑफ डिज़ाइन है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी शब्द नहीं मिल रहे थे तो यही कुछ दिमाग में आ गया, सोच नहीं रिश्ता भाई। तो मेहंदी की डिज़ाइन कुछ ऐसी ही है, जो भी हम नया कुछ लेके आते हैं, एक्चुअली वो पहले भी आर्टिस्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से उन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो जैसे जनरेशन बदलता जाता है, नज़रिया बदलता जाता है, तो हम नए ज़माने के आर्टिस्ट उसको कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोटस वाली डिज़ाइन देखोगे, रोज़ वाली डिज़ाइन देखोगे, सारे फिलर एलिमेंट भी देखोगे, तो पहले भी ये सब इस्तेमाल होता था। जो जंक्शन वाली बॉर्डर्स चल रही है, तो वो भी मैंने 15 साल पहले आशा सावला जी और अश्विनी जी की डिज़ाइन में मैंने देखा हुआ है, तो वही सारा कुछ एलिमेंट आज भी इस्तेमाल होता है, हम भी करते हैं, और फिर कुछ नया उसके साथ कंबाइन करते हैं, उसको कुछ अलग तरीके से कंबाइन करते हैं और एक नया डिज़ाइन बनाते हैं। तो यही होता है कि आप नया क्रिएट कैसे करते हो, तो नया क्रिएट ऐसे ही होता है कि पुराना कुछ लो, उसमें कुछ नई सोच डालो, कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट डालो, और हो गया कुछ नया मेन्यू तैयार आपके लिए। तो
दाल है, सब्जी है, चपाती है, चपाती के ऊपर सब्जियां स्प्रेड कर दो, उसके रोल बना दो या उसके पिज्ज़ा बना दो। तो बात तो एक ही हुई, आप एलिमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसमें किस तरह का मसाला डालते हैं, उससे वो स्वादिष्ट वानगी तैयार हो जाती है। तो आप देखोगे ये पूरी डिज़ाइन मैंने इसी तरह से तैयार की हुई है, और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ भी नहीं था कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, एक बात बहुत क्लियर थी कि बॉर्डर एलिमेंट, स्ट्रेट बॉर्डर वाला जो बॉर्डर है उसका मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। क्या नहीं करूँगी वो मालूम था, क्या करूँगी वो नहीं मालूम था, लेकिन खूबसूरत मेरे मेरे नज़रिए से खूबसूरत डिज़ाइन एक उभर के आई है। आप लोगों को कैसी लगी है वो डेफिनेटली कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताते रहिए। मैं वापस जैसे मैंने किंजल का एक डिज़ाइन लेके ट्यूटोरियल तैयार किया था, मैं उसी तरह का एक डिज़ाइन लेके, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन लेके ट्यूटोरियल सीरीज़, 3 वीडियोस की एक सीरीज़ वापस बनाने जा रही हूँ, और शायद इसी हफ्ते मैं उसकी शुरुआत करूँगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, टुडेज डिज़ाइन आई वुड से द ओनली थिंग आई डिसाइडेड दैट स्ट्रेट बॉर्डर आई एम नॉट गोइंग टू डू। I was so fed up with that straight border I was creating. If you check my previous few videos, each and every design start with that straight border. Though I was experimenting with the element I was using in the straight border, but I was fed up because the same layout was going on since last few videos, or maybe because the designs I was watching around, all those design were based on a straight border. So maybe that was the instrumental behind my inspiration too. But today I decided enough is enough. I am going to try something new. I am going to try whatever I have not used since many design of mine, like few old design, some new design. So I'm going to create something very different today, and that's why I decided to use curve element as a beginning. But I did not want to use that typical curve, circle, semicircle. So that's why I laid my curve element with swirl, and then I use peacock, resting peacock on that. My peacock design is resting on that curve element, and then I did some variation with reverse element too. Plus the corner area, I did some random filling embellishment near the peacock. That was very impromptu. Because I felt that part was the area was quite empty and it needed something to balance that reverse element, and that was the idea. I draw whatever I like, it came to my mind at that point of time. I really like that part. How do you like it? Did you like it? You have to let me know through your comment. And that was only to complement the reverse element, and that's why it was very light and subtle. Okay, then I decided that since many design I haven't used that flower cluster, those flower cluster was I would say it they were very popular at one point of time, and each and every design was like containing that particular clusters. And recently I have seen that artists have shifted from those flower cluster to reverse element flowers. So flowers are there, definitely flowers are there, but way they are using have been changed. And if you see all this element we are using, they have been used in many designs since ages, or maybe like these flowers, those modern type of junction border elements, then roses, then lotus. All those designs were also part of Mandi, and I have seen those designs 15-20 years back too. But that time, those generations artists were using them differently,
एज टाइम प्रोग्रेस ईच एंड एवरी आर्टिस्ट गिव देयर ओन टच टू ऑल दोज ओल्ड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड क्रिएट समथिंग न्यू. सो दैट्स द वे दिस हैपन दैट थॉट इज new but relationship is old. That's a one tagline of one very popular Hindi TV channel, so I am just literally translating that part, that yes, those elements are the usual one, but we are giving them our own touch and recreating new designs from that. That's the way new creations come up. People always ask how many people get ideas to create something new. This is the way we create something new, that take something old, add some your own flavor, give some twist and create something new out of that. Like your chapati is there, your sabji is there, your vegetables are there. If you want to roll them and create the wraps, or you want to bake them and create the pizza, is choice is yours. The ways and ingredients are going to be same. How you give the twist and what other ingredients you add to it, that's the thing, make it delicious. However you like it, just have it that way. So as all of you know that food is my weakness and it's always going to be part of my metaphors, my examples. So that's what I'm doing here. So I hope you all would have liked my this design. When I started creating this design, there was nothing in my mind, only one thing. As I said, I'm not going to repeat that straight border, and with that I started creating this particular design. And I wanted to practice my filler element, how to layer them, because since many episodes, previous episodes, it was not happening. So I decided today I will do that, because it's a technique, how you layered your filler elements, that is also a skill. If you arrange the simple filler element, but if you arrange them nice, very beautifully layer them, then they actually change the complete look of your entire design. And that's why this type of designs are actually become a reason to practice your filler elements and how to layer them. So do that. It will definitely give you good practice of your filler elements and more ideas how to layer them. And one more thing, that I have decided to continue my that tutorial series that I did with Kinjal's design. So this time I'm going to take some more complicated design and will create 3 videos from that particular design, like how to what is the layout and how you can change and this and that. So if you want to watch it and if you want to learn from it, stay tuned with all of us. And do not forget to let me know how do you like my this design, your comment, and like my video, share my video, subscribe my channel. Yes, do that. We are very soon reaching 200k and I cannot wait it. So start subscribing, so we will reach that milestone very soon. Thank you everyone, stay blessed, stay inspired. Bye bye, take care, see you.